अब बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा था, हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक नए अध्याय के साथ मैं आपके साथ हूं, और वो अध्याय हमारा हमने जो लिया है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स अभी तक पढ़ा दिए हैं। बच्चों जो हमारा टॉपिक मैंने लास्ट आपसे डिस्कस किया था वो था चालकता। मैंने आपसे लास्ट क्लास में चालकता को लेते हुए मैंने आपसे चालकता डिस्कस किया था बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक को हम उसको बनाने या उसकी प्राप्ति स्रोत के आधार पर दो तरह से उसको प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, कि हम ये देखेंगे कि वो चालक कितना शुद्ध है या उस चालक में कितनी इम्प्योरिटीज है और वो कितना अशुद्ध है। यदि बच्चों कोई चालक बहुत ज़्यादा शुद्ध है तो उसकी चालकता का मान सर्वाधिक होगा, उसमें प्रतिरोधकता नगण्य होगी और उससे अधिक से अधिक धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक हो सकेगा। ठीक, ये कहलाती है उस चालक की सामर्थ्य, और हम इसी को उसकी चालकता के रूप में पढ़ते थे। और वास्तविक रूप से जो चालकता की डेफिनेशन मैंने आपको दिया था वो बताया था कि किसी चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट या जो बाधा हमको मिलेगी हम उसको बोलेंगे प्रतिरोध, और उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमने जब निकाला तो हमने उसको बोला उसकी चालकता। मेरा प्रश्न ये है बच्चों कि चालक में ये जो चालकता उत्पन्न हुई ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में, तो ये प्रतिरोध कहां से आया उस चालक के अंदर, यही चीज बताना मेरा मकसद है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चालक है जब वो अशुद्ध होता है, अर्थात जब उस चालक को बनाने के लिए जो मौलिक कण है ना, अणु परमाणु और आयन अवयवी कण, जब ये एक ही प्रकार के ना होकर एक से अधिक प्रकार के होते हैं, तो जिनका प्रतिशत बहुत कम होता है उसके निर्माण में, वो वहां पर क्या करते हैं, एक प्रतिरोधात्मक विद्युत धारा जब हम उस ऐसे पदार्थ में डालेंगे जहां पर दो भिन्न प्रकार के मौलिक कण मौजूद हैं, तो जो कण अल्प मात्रा में होंगे वो क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह में एक डिस्ट्रैक्शन अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, उस अवरोध को हम उस चालक का क्या बोल देंगे, प्रतिरोध। और यही एक कारण भी होगा बच्चों कि जब हम उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और एकाएक अगर उस चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके रोक कर हम उस चालक को छूने का प्रयास करेंगे तो वो हमको थोड़ा गर्म प्रतीत होगा, वो गर्म लगेगा। यानी ये सारे जो गुण निकल कर उस चालक के अंदर आएंगे वो हमको इंडिकेट करेंगे कि उस चालक में कोई ना कोई प्रतिरोध मौजूद है। क्लियर हो रही है मेरी बात? और उसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने उसकी चालकता कहा, उसकी सामर्थ्य कहा। ठीक, जिसको हमने पढ़ा बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको चालकता के प्रकार बताए और मैंने आपको तीन प्रकार की चालकता बताए। बच्चों तीन प्रकार की चालकता में मैंने आपके सामने जो सबसे पहली चालकता रखा उसका नाम था विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बच्चों, मैंने जो दूसरी चालकता आपके सामने रखी वो थी तुल्यांकी चालकता। बच्चों जो मैंने तीसरी आपके सामने मोलर चालकता। तो विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, तो ये तीन प्रकार की चालकताओं मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये चालकता के प्रकार होते हैं। बच्चों आज की क्लास में मैं इनको आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, तो समझते हैं हम सबसे पहले विशिष्ट चालकता को। ठीक बच्चों, हम विशिष्ट चालकता के संदर्भ में जानकारी लेंगे, ध्यान दीजिए। विशिष्ट चालकता बच्चों, विशिष्ट चालकता को समझने के लिए मुझे एक सेल का आपको निर्माण दिखाना होगा। मैं आपको एक सेल का निर्माण करके बताता हूं, क्योंकि जैसे ही हम एक सेल का निर्माण कर लेंगे तो विशिष्ट चालकता को समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों समझिए, मान लीजिए
हमारे पास एक पात्र है, ये कांच का पात्र हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि हमने कांच का पात्र ले लिया। फिर क्या किया बच्चों, मैंने मैंने इसमें किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को चालक के रूप में, किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ को बच्चों, ठीक है, उसका जली विलयन मैंने इस कांच के पात्र में ले लिया इस तरह से। ठीक, फाइनली क्या किया बच्चों, मैंने मैंने दो धातु के इलेक्ट्रोड लिए इस तरह से, ये धातु का एक इलेक्ट्रोड है, क्या ये धातु का इलेक्ट्रोड है, इसी तरह से बच्चों मैंने एक धातु का दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया। ये दोनों एक ही प्रकार के धातु के भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं के भी हो सकते हैं, वो निर्भर करता है कि हमको किस प्रकार का युग्म चुनना है और क्यों चुनना है। ठीक, फिलहाल में मैंने दोनों एक ही प्रकार की धातु के ले लिए। फिर क्या किया बच्चों, मैंने उसके बाद मैंने एक बैटरी का प्रयोग किया, ये मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल उससे जुड़ा हुआ है कि, ठीक है, स्विच उससे जुड़ा होगा धारा नियंत्रक जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, ये आर एच, दिस इज के एंड दिस इज बी बैटरी। फाइनली क्या करना बच्चों, संयोजी तार कनेक्ट करने हैं और आपको संयोजी तार से बैटरी के पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रोड से और धारा नियंत्रक वाले सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देना है। उसके उपरांत बच्चों आपको क्या करना, रबर का एक कॉर्क लेना है और रबर के कॉर्क से इस तरह से अपने सेल को क्या कर देना है, आपको क्लोज कर देना है इस तरह से। ठीक, ये जो युक्ति अब आप देख पा रहे हो ना, अब इस पूरी युक्ति, इस पूरे प्रबंध को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको हम बोल रहे हैं सेल, ये युक्ति एक सेल है। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहां पर जब मैंने सेल का निर्माण किया बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल के निर्माण करने के लिए कुछ शर्तें लगाने जा रहा हूं मैं, वो शर्तें समझिए। पहली शर्त है कि मैंने विलयन में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का क्या इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए कि हम यहां पर विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन रखेंगे। आपको याद रखना है, जिसकी जिसकी जो सांद्रता होगी बच्चों, जिसकी सांद्रता, तो आप याद रखिए उसकी सांद्रता कैसी होगी, उसकी सांद्रता अज्ञात होगी, यानी कि अज्ञात सांद्रता का हमने यहां पर विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया। फिर क्या करना है, फिर इसमें धातु के जो हमने दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, ये धातु का एक इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे हो, तो धातु के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, ये डिस्टेंस हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं, वो डिस्टेंस होगा L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की बुक में मीटर भी लिखा हुआ है, तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लो या L बराबर 1 मीटर का डिस्टेंस ले लो, तो जनरली यूनिट का फर्क है, हम ऐसा यूनिट में निकालेंगे या CGS में निकालेंगे, तो मैं CGS में आपको बता रहा हूं, अपन सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, उसके उपरांत बच्चों प्रत्येक इलेक्ट्रोड का ये जो मोटाई है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी सिंपल लैंग्वेज में मैं कह दूं उसकी मोटाई है ये। ठीक, ये उसकी मोटाई है। अगर आप समझना चाहें तो मैं कुछ इस तरह से बता दूं कि अगर मान लीजिए बच्चों ये एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा जूम किया इस तरह से, उसकी पूरी संरचना अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं, तो ये पूरा एक उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये
इस तरह से दिखाई देगा। तो अनुप्रस्थ काट किसको कह रहे हैं बच्चों? तो ये भाग है ना जिसको मैंने रेड कर दिया, देखिए ये वाला, ये भाग बच्चों जो आप देख पा रहे हो ना, जो उसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं उसका, हम इसको बोल रहे हैं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रोड को यहां पे क्या करके रखा हुआ है, डुबो के रखा हुआ है। तो यहां पे दो महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं कि जो विलयन है उसकी सांद्रता ज्ञात, इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है? इसको आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो होगा ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और अगर यूनिट आप मीटर में लेंगे तो वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, सो इन दैट केस में अब आप क्या करोगे बेटा, जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे तो आप सबसे पहले स्विच ऑन कर दोगे, ठीक है? स्विच ऑन करोगे आप, अब आपने स्विच ऑन किया, आपने स्विच ऑन किया, क्या होगा, बैटरी वर्किंग में आ जाएगी, ठीक है? कार्य करने लगेगी, ऋणात्मक से धनात्मक विभव की ओर विद्युत धारा बहेगी, ठीक है? और जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा, वो करंट क्या होगा बेटा, तार के थ्रू आपके सेल में आ जाएगा। जैसे वो सेल में आएगा, जो विद्युत अवघट्य पदार्थ है, सबसे पहले ये विद्युत अवघट्य पदार्थ क्या हो जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक? विद्युत अवघट्य पदार्थ जो है वो अपने आयनों में टूट जाएगा। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जो विद्युत अवघट्य पदार्थ है वो अपने आयनों में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ठीक है? मतलब उसका क्या हो जाएगा, यहां पर आयनन, यहां पर उसका हो जाएगा आयनन, या हम इसको बोलेंगे यहां पर उसका हो जाएगा विद्युत अपघटन। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, यहां पर अगर हमने जो जली विलयन लिया था, सपोज अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि वो NaCl का जली विलयन है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का है, तो जैसे ही वो आयनन होगा बच्चों, जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाले पार्ट में वियोजित होगा, तो जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे, ठीक है? उनका तेजी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या होगा, गमन होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक, इस तरह से जब ये गमन यहां से यहां तक होगा बच्चों, तो हम ये देखेंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है? हम उसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। हमको यहां पर जितनी भी जो चालकता प्राप्त होगी, हम उस चालकता को कैलकुलेट करने के बाद हम उसी चालकता को यहां पर क्या बोलने वाले हैं, विशिष्ट चालकता। अब कैसे बोलेंगे इस चीज को, थोड़ा सा अपन को बहुत अच्छे से समझना है। और भी अभी मैंने आपको केवल एक सेल की जो फंक्शनिंग है ना, वो पूरी आपको क्या कर दिया, समझाया है, थोड़ा सा उसको विशिष्ट चालकता के फॉर्म में अपन को क्या करना है, कन्वर्ट भी करना है, तो वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं विशिष्ट चालकता की। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि आप विशिष्ट शब्द को छोड़िए, तो केवल चालकता बची। आपने पढ़ा प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो फाइनली मैं आपको बोल रहा हूं प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने क्या बोला, उसकी चालकता, यानी चालकता को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, 1/R है, ठीक है? ये चालकता की साधारण परिभाषा है। हमको चाहिए विशिष्ट। अब विशिष्ट की बात करेंगे तो मैं उससे पहले आपको चालकता की क्या बता देता हूं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं उसकी निर्भरता, ठीक है? कि जो चालकता है वो वास्तव में
किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों किसी भी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी चालक की जो चालकता है उसकी निर्भरता को समझना, और हम देख रहे हैं कि जो चालकता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। ये पहला पॉइंट अपन को देखने को मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा कि जो चालक का प्रतिरोध है वो उस चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है। यानी अगर चालक की मोटाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, अगर चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। हम दोनों कारकों को, दोनों संबंधों को मिला लें तो हम देखेंगे कि आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करते हैं तो आर इज इक्वल टू, मैं एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पे रो, और मैंने लिख दिया बच्चों एल अपॉन ए। तो ये एक गणितीय व्यंजक आ जाएगा जो कि प्रतिरोधक प्रतिरोध की निर्भरता को निरूपित करेगा, चालकता को निरूपित करेगा। तो मैं यहाँ पर अब आपको ये बता रहा हूँ कि जो आर है वो प्रतिरोध है, स्मॉल एल जो है वो चालक या दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है, जो ए है बेटा वो उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहां पर जो रो है, इस रो को हम कहते हैं बच्चों, इस रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इस रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। ये समझ में आया, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि चालकता क्या थी, तो मैंने कहा प्रतिरोध का व्युत्क्रम T इज इक्वल टू वन अपॉन आर। तो बच्चों जिस प्रकार किसी चालक के साधारण प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी चालकता कहते हैं, उसी प्रकार अगर हम किसी चालक की क्या निकाल लें, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लें, तो उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोल देंगे, उसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है। इसको समझ लेते हैं तो ध्यान से देखिए, ठीक, मुझे रो मिल गया तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं विशिष्ट चालकता को कैप्पा से रिप्रेजेंट कर दूं, है ना, इसको मैंने बोला कैप्पा, तो जो कैप्पा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने चालकता बोला, तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उसकी विशिष्ट चालकता कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको सेल बताया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेल बताया, मैंने सेल में तीन कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन मैंने लिया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, मैंने दोनों के आपको बीच की दूरी बताया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और वो दूरी मैंने लिया बेटा एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने लिया। दूसरी चीज मैंने आपको बताया उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वो हमने लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको तीसरा महत्वपूर्ण बताया उसकी सांद्रता, और सांद्रता कैसी थी आपकी, अज्ञात थी। यानी अगर आपको सांद्रता नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये दोनों चीजें बस पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये समीकरण एक और दो से हम एल और ए के मान अगर अपने इस मूल समीकरण में रख दें जिसको मैंने एक बनाया, तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा R इज इक्वल टू, ठीक है, रो इंटू 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू ये हट जाएगा 1 अपॉन 1, तो सीधा सीधा जाएगा R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वही विशिष्ट प्रतिरोध है, लेकिन जो R है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है ना, पर एक स्पेशल केस में है, एक विशेष स्थिति में है, और वो स्थिति ये है कि हमारे पास कोई ऐसा चालक मौजूद हो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, ऐसे चालक का जो साधारण प्रतिरोध होगा अब वो विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में जाना जाएगा, उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे। पर जब तक हम चालक की निर्भरता की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ चालक की लंबाई की बात करेंगे कि चालक होगा वो कितना भी लंबा हो सकता है, तो हम नॉर्मल प्रतिरोध निकालेंगे। जैसे अपनी कंडीशन अप्लाई कर देंगे बच्चों, उसी समय पर हमको का विशिष्ट प्रतिरोध मिलेगा, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम निकालकर हम उसकी चालकता की गणना कर पाएंगे, ठीक। तो बच्चों होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे आपसे अगली चालकताओं के साथ ना मुलाकात हो।